हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी LVH के बारे में, दिल के अंदर के एक मेन लेफ्ट चेंबर का हाइपरट्रॉफी, यानी उसका साइज अगर मोटा हो जाए, थिक हो जाए, उस बीमारी के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कई लोगों ने हमसे पूछा है, कई लोग सर्च करते हैं क्योंकि उनकी ECG में, उनके इकोकार्डियोग्राफी में ये फाइंडिंग पता चलती है और वो सोचते हैं कि वो क्या चीज है, क्या बीमारी है, इससे क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है क्या, वो क्यों होती है, क्यों और कैसे हो सकती है, उससे आपको आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उससे आपको क्या खतरे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, उसका इलाज कैसे होता है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन में क्या फर्क है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट में क्या फर्क है। तो दोस्तों, दिल की जांचों के बारे में, दिल के टेस्ट के बारे में, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, PMT, ट्रेडमिल, स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, स्ट्रेस थैलियम, एंजियोग्राफी, CT एंजियो, कोरोनरी एंजियोग्राफी, होल्टर, लूप रिकॉर्डर्स, इन सब टेस्टों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे और जानना चाहते हैं कि दिल की जांचें होती हैं तो कैसे होती हैं, किस दिक्कत के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, किस टेस्ट से क्या पता चलता है, तो मेरे चैनल पे जाइए, उस चैनल पे सर्च करिए, ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। देखिए, समझिए, अपनी आपकी बीमारी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इतनी बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। दिल की बीमारी सबसे डेंजरस, सबसे कॉमन है, अपने लिए नहीं तो अपने बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए, माँ बाप के लिए ये बीमारी जरूर समझिए, टेस्ट को जरूर समझिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में, LVH के बारे में। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, सब जानते हैं कि दिल का काम है शरीर के अंदर खून पंप करना, और दिल के अंदर दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट दोनों में, लेफ्ट वाले जो मेन चेंबर, मेन हिस्सा है, उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। वही सबसे बड़ा हिस्सा है जो दिल के अंदर आने वाला जो खून है पंप करके एक धड़कन में सारे शरीर को पंप करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपके दिल का मेन हिस्सा है, और इस मेन हिस्से के चारों तरफ ऑब्वियसली मसल्स हैं, मस्कुलर वॉल्स हैं, दीवार है। लेफ्ट साइड में जो वॉल है उसे हम लैटरल साइड, लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। मीडियल साइड में एक वॉल है जो कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, उसे मीडियल वॉल या फिर सेप्टम कहते हैं, और आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर वॉल है। तो चारों तरफ उसके वॉल है और ऊपर एपेक्स, एपेक्स कहते हैं जो उसका एक जो कोना बनता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक बार में जब पंप करता है तो उस पंपिंग पावर को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो डिटरमाइन करता है कि आपके दिल की ताकत कितनी है। जब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर में आपकी यही दिल की पंपिंग पावर कम हो जाती है। सो अगर 100 ml खून लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में भरता है तो जब पंप करता है तो एक बार में नॉर्मल इंसान का लेफ्ट वेंट्रिकल 55-60% के ऊपर पंप करेगा बाहर, 55-60% के ऊपर। सो अगर पंपिंग पावर वो 55 से नीचे है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, तो वो फेलियर है, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा कैसे हो जाएगा, थिक कैसे हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा का मतलब ये नहीं कि हार्ट बड़ा हो गया, उसका मतलब कि उसके जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवारें हैं, मसल की बनी हुई हैं, ये मसल्स भी मोटी हो गई। मसल्स अगर मोटी हो जाए तो उसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसको आप बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह जिम के अंदर डंबल उठाने से और एक्सरसाइज करने से आपके आर्म्स की, चेस्ट की, शोल्डर की, बैक की मसल्स बड़ी हो जाती हैं,
बिल्कुल उसी तरह जब दिल को ज्यादा मेहनत ज्यादा देर तक करनी पड़ती है तो दिल की भी जो मसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन दिल के अंदर बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो अगर दिल के अंदर की जो मसल्स हैं, दिल की जो चारों तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल के आज चारों तरफ जो मसल्स हैं ये मोटी होती जाएगी तो क्या होगा, पहले पहले तो आपके दिल की पावर बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे दिल के अंदर की जो जगह है, जो चेंबर है, वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि मसल मोटी हो रही है, मसल मोटी हो रही है, दिल तो बड़ा नहीं हो रहा, इसीलिए दिल के अंदर की जो जगह है चेंबर का साइज छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे आपकी मसल्स बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपके दिल के अंदर कम से कम खून भरता जाएगा। अगर नॉर्मल आदमी 100 ml भरता है तो आपका 80 या 60 या 40 ml तक खून भरेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इवन इफ आपका दिल 60% की जगह 80% उसमें से बाहर पंप कर रहा है एक बार में, लेकिन उसमें भरी वो 60 ml रहा है तो 80% भरेगा तो भी वो 55 से नीचे होगा। तो आगे चल के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब माइल्ड मॉडरेट से सीवियर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो दोस्तों अब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा क्यों, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी हार्ट की मसल्स मोटी क्यों होंगी, थिक क्यों होंगी? सबसे बड़ा कारण उसका है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर काफी समय तक क्रोनिक हाई रहता है तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड पंप करने के लिए। और जब उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो धीरे धीरे वो अपना साइज बढ़ा लेगा ताकि मेहनत करने में आसानी हो, लेकिन एक समय के बाद उसका साइज बढ़ता जाएगा और आप हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में चले जाएंगे और हार्ट फेलियर हो जाएगा, और उस चीज का फिर वापस नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। उसको फिर आप कहने के लिए तो उसका अल्कोहल एब्लेशन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज फिर वापस नॉर्मल नहीं होती। तो इसीलिए ये बीमारी इनिशियल स्टेज से मैनेज करना जरूरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी माइल्ड है, मॉडरेट है, तो वो चलती है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है रेगुलरली। सो ब्लड प्रेशर के अलावा अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप जब चलते हैं तो इतना सारा वजन उठा के चलना अपने आपके दिल के लिए भी एक हैवी काम है, और उस समय भी फिर आपका दिल मोटा हो जाएगा। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इस वजह से हो, इन सब वजह से हो सकती है। इसके अलावा और भी कारण है, मान लीजिए आउटलेट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के बाहर जो खून की नसें जा रही हैं उसमें अगर कोई दबाव आ जाए उस वजह से भी प्रेशर बढ़ जाएगा उस पे, तो वो फिर मोटी हो जाएंगे। तो इसको गिनेंगे कैसे, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसके साइज से गिना जाता है दोस्तों। इकोकार्डियोग्राफी में हम एक्चुअल साइज देख सकते हैं आपकी हार्ट के वॉल्स का, और वॉल्स का साइज गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान के लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्स का साइज 1.2 सेंटीमीटर यानी 12 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अगर आपका 12 या 12 से ऊपर है किसी भी साइड के वॉल का साइज तो आपको हाइपरट्रॉफी है, अगर 14 से ऊपर है तो मॉडरेट हाइपरट्रॉफी है, 15-16 से ऊपर है तो सीवियर हाइपरट्रॉफी है। ये दोस्तों उम्र के साथ भी वेरी करता है और आपके बॉडी के साइज के साथ भी वेरी करता है। एक इंसान जिसकी बॉडी का साइज ही बहुत बड़ा है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा हाइपरट्रॉफी हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो हार्ट का भी टोटल हार्ट का साइज भी बड़ा होगा, तो उस हिसाब से 1.2-1.3 तक भी हम मान सकते हैं कि हो सकता है इतना ही साइज हो, लेकिन एक एवरेज में 1.2 मिलीमीटर से नीचे साइज होना चाहिए दोनों तरफ की, चारों तरफ की वॉल्स का। ये हाइपरट्रॉफी अगर है आपको तो हाइपरट्रॉफी यानी थिकनिंग एक आधी वॉल की हो सकती है कि सिर्फ सेप्टल वॉल की हाइपरट्रॉफी है, सिर्फ लैटरल वॉल की हाइपरट्रॉफी है, या ये चारों तरफ हो सकती है, आगे भी पीछे भी इधर भी कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी।
कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है हाई ब्लड प्रेशर में। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप ईसीजी इको उनमें किसी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पाया गया है तो उसका ये मतलब है और आपको आगे चल के सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होगा, वेट लॉस करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और अपने डॉक्टर से बात करनी होगी दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन और इन दोनों में क्या फर्क है? दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो था उसको वो गुब्बारे की तरह फूल गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर बड़ा हो गया है, डायलेट हो गया है, फैल गया है, तो उसे गुब्बारे की तरह फूल जाने में उसकी वॉल्स थिक नहीं हो जाती बल्कि थिन हो जाती, खिंची जाती, तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन कहते हैं। ये अलग बीमारी है, इससे भी आपका हार्ट की पंपिंग पावर आगे चल के कम हो जाएगी, इससे भी आपका हार्ट फेलियर होगा। लेकिन ये बीमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अलग है। ये चीज इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इकोकार्डियोग्राफी में ही पता चल सकता है। ईसीजी में इन दोनों में ही एक तरीके की फाइंडिंग आ सकती है, सिमिलर फाइंडिंग आ सकती है और आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो एनलार्जमेंट है, हाइपरट्रॉफी है या डायलेशन है। जब हम एनलार्जमेंट कहते हैं तो उस समय हम डायलेशन की बात करते हैं कि वो डायलेट हो गया है, हाइपरट्रॉफी थिकनिंग होती है और कभी कभी उसको भी एनलार्जमेंट माना जाता है, बोला जाता है, लेकिन इसलिए बेटर टर्म है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन। तो दोस्तों ये हुआ डिफरेंस इन दोनों का। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है तो जरूर हमें लिखिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आपके कभी भी टेस्ट में किसी को भी ऐसी कुछ फाइंडिंग आई है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए। अगर किसी का वजन ज्यादा है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको ये समझना बहुत जरूरी है, वरना ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे होती है, लेकिन ये एक बार हो जाए तो फिर इसे वापस जीरो नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को और परिवार वालों को कहिए कि वो ये चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें जरूर लिखिए। कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।